बीते सोमवार को शहर के बीचों बीच NH 28 पर लवकुश नामक व्यक्ति का दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे नाराज परिजन और ग्रामीणों ने लगभग 7 घंटे तक NH 28 को जाम रखा और उस दौरान कुछ लोगों ने वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने समझा बुझा कर शव का PM कराया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाई गई थी, जिस पर आज कोतवाली पुलिस ने मुख्य अभियुक्त प्रेम प्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अभियुक्त के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विजय सिंह ने कहा कि कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और छानबीन चल रही है। 23/9 को यानी परसों सुबह लगभग 9:30 के आसपास एक चर्चित हत्याकांड हुआ था, जिसमें लवकुश यादव को दिन में ही नेशनल हाईवे के पास गोली मार दिया गया था। इस घटना को लेकर ग्रामीणों एवं आम जनता में बहुत ही आक्रोश व्याप्त हुआ था। नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया गया था। वादी पक्ष की तहरीर पर 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें से मुख्य अभियुक्त प्रेम प्रकाश सिंह को आज गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद किया गया है। बहुत ही अच्छा खुलासा है, बहुत जल्दी खुलासा किया गया है। कई टीमें इसके लिए लगाई गई थी, 3 टीमें लगी हुई थी, इसमें से थाना प्रभारी के नेतृत्व वाली टीम द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है, जो सराहनीय है। इतनी जल्दी गिरफ्तारी करने पे इतने महत्वपूर्ण केस में मेरे द्वारा संबंधित टीम को 10,000 इनाम की घोषणा की जाती है। इस मामले में अभी और कार्रवाई होना शेष है। जो भी अभियुक्त हैं, क्योंकि बहुत ही दिन दहाड़े हत्या की है, इसमें अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी, बाकी अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जाएगी। नामजदगी जरूर है, जब तक उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा। दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, किसी केस में लापरवाही बरतना, पहले की चीज़ों में जांच में लापरवाही बरतना और घटना में संलिप्तता होना। जब तक घटना में सीधे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तब तक कोई अभियुक्त नहीं होता है। नामजदगी की गई है, अभी तक कोई ठोस साक्ष्य उनके विरुद्ध नहीं पाए गए हैं, विवेचना प्रचलित है। अन्य भी अभियुक्त जो मिलेंगे उनसे पूछताछ की जाएगी, रोल उनका देखा जाएगा, जैसा निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।